हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सब लोगों को मेरे चैनल पे स्वागतम जनाती हूँ। और अभी हो चुका है गुड मॉर्निंग, मतलब बहुत पहले हो चुका था, पर मैं उठ के नहा लिया और अभी जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि पापा चले गए हैं गुवाहाटी। और आज से दीदी का स्कूल भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए पूरी तरह से लीव ले लिया। तो मतलब उनका जो ब्यूटीफाइंग होगा, बहुत कुछ होगा उनका, मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी ब्लॉग में। और अभी जा रहे हैं हम चाय पीने के लिए, क्योंकि सुबह की चाय इज मस्ट। तो अभी जा रहे हैं, तो विदाउट एनी फर्दर डू चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो, मम्मी मेरी तरफ देखते देखते है ना, चाय की चीनी, मतलब जो चाय में जाने वाली थी वो गिर गई यहाँ पे, है ना। मतलब मस्त है इसका भी, है ना मम्मी। एक बात बतानी थी, ये देखो मेरी जो स्किन पे रैशेस हुए थे ना, एकदम देख सकते हो, वो कम हो चुका है, मतलब पूरी तरह से कम हो चुका है। मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब पिंपल होने के बाद जो रह जाता है ना, वो ही सिर्फ रह गया, पर उसके बाद जो हुआ क्लीन हो चुका है, क्लीन। अब से ना मैं कोई भी प्रोडक्ट बिना जाने बिना पढ़े यूज़ ना करने वाली हूँ। और आप लोगों को भी ये मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ, कुछ भी चीज़, कुछ भी खाने की चीज़ हो या लगाने की चीज़ हो, प्लीज़ पहले पढ़ लो फिर यूज़ कर लो, मेरी तरह से गधी मत बनो। सही है, चलो। हाय हाय को हाय को ये हमने हाय देना तो हाय हाय दे नहीं कि नहीं। मैडम आप बताइए, आप आपकी चारू बेटी से सबसे ज़्यादा किसे पसंद करते? कैमरे में फोकस कीजिए, कैमरे में किसे सबसे ज़्यादा? मैं बोल देती हूँ, सबसे ज्यादा वो पसंद करती है रूपा देवनाथ को, सेकंड लिस्ट में आता है रूपा देवनाथ। मतलब जिस जिसकी शादी हो जाएगी मम्मी उसी को ज्यादा प्यार करती है, फिर मैं लास्ट में दीदी आती है, क्योंकि मम्मी का ना दीदी के साथ अलग लेवल का रिश्ता है, है ना। हाँ ये काम तो तुम्हें दुकान से दे अभी हम जा रहे हैं पार्लर, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने थ्रेडिंग नहीं की थी, तभी जाना है पार्लर। चलो पार्लर चलते हैं, कैमरामैन फोकस करो, चलो पार्लर चले। मम्मी नहीं, मम्मी ऐसे ही जा रही है, क्योंकि मम्मी का ऑलरेडी हो चुका है, अभी मैं जा रही हूँ अपने करने के लिए। करवा ली। और मम्मी को क्या बताते, मम्मी ने सैंडल पहन के तो वही सैंडल छोड़ के चली जा रही थी। बढ़िया, मतलब बढ़िया हो रहा है दिन दिन, उनका ब्रेन शार्प होते जा रहा है बच्चों की तरह। मैं ना आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, ठीक है। हमारा जो रात था, मतलब कल रात तक कोई करंट नहीं था, और हमारा इन्वर्टर जो है ना, वो हमारे मोस्टली हमारा जो है ना पूरा दिन मतलब फैन चलता रहता है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, तो उसकी वजह से करंट मतलब इन्वर्टर का जो चार्ज था वो खत्म हो चुका था आधी रात में। लाइक मैं तभी भी जगी थी, कुछ कर रही थी वीडियो एडिट एंड ऑल। फिर देखो जो कल शाम को मतलब हाँ इवनिंग को जो गया था करंट, अब आया है। ये देख लो, ये चल रहा है फैन, ठीक है। इसका तो अच्छा है, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे घूम रहा है, इसका देखो
ये देखो ऐसे ऐसे घूमता है। इधर मम्मी सब्जी लेके बैठ गई क्योंकि पापा घर पे है ही नहीं। क्या खिलाओगे मम्मी बता दो। माँ की गई बा वो मैंने लाइट नहीं दिया। चलो मम्मी पे फोकस करते हैं। मम्मा कौन आ ये फुटकी बोला बंगाली में हम बोल देते हैं यार सो ड्राई फिश कहते हैं ठीक है। सो ज्यादातर बंगालीज को यही पसंद है ना हमें। मेरी मम्मी की फेवरेट है। मम्मी चिकन चोर के ड्राई फिश खाती है ठीक ना। समझा नहीं तुम लगता है। आज मैंने काम किया इधर मम्मी के साथ मिलकर दीदी के साथ थोड़ा मतलब दीदी को थोड़ा टीच किया। तो मतलब दीदी को बाहर का खाना बहुत पसंद है बट उसको चीज थोड़ा खाया अभी उसे नहीं खाना चाहिए बट वो खाने के लिए बहुत मतलब हमेशा तैयार होती है। तो हम जाने वाले थे हो जाए तो मैंने बोला कि चल जन्माष्टमी आ रही है तो भोपाल के लिए शॉपिंग कर लेंगे और फूल वगैरह वगैरह कुछ खरीदना था वो हम भी खरीद लेंगे। आज बेसिकली मुझे नहीं जाना था क्योंकि मुझे कल जाना है एडमिशन के लिए। तो क्या हुआ कि मम्मी को बोला मैंने कि मैं अभी देखना कैसे टीज करती हूँ ठीक है वो खुद ना करेगी। तो मैंने बोला कि चल आज चलते हैं तो 11 बजे का ट्रेन है। तो वो बोल रही थी कि आज जाएगी क्या। मैंने बोला हाँ। वो बोल रही थी आज कैसे जाएगी। मैंने बोला क्यों आज चलते हैं ना वो लेके आएंगे सामान। पर उसने बोला कि नहीं 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 आज तो फूल खराब हो जाएंगे आज ले आएंगे तो क्योंकि जन्माष्टमी को अभी भी दिन है ना तो इसकी वजह से। तो उसने जब मना किया ना तो मम्मी वॉज लाइक उसने खुद मना किया। आई वॉज लाइक चलो मम्मी हाई फाई दे दो एक आपके सामने मैंने इसको टीज किया और दिखाया कि यार मैं सब कर सकती हूँ किसे कैसे किस सीट पे बिठाना है वो मुझे आता है ये टैलेंट है यू नो हिडन टैलेंट। सो इसी तरह से मैं ना एकदम सच्ची बात बता रही थी मैं आज पूरा दिन बोर हो रही हूँ पता नहीं हूँ मतलब मूड भी खराब है। पापा होता तो पापा के साथ बेकार की बातें कर लेती पर आज पापा है नहीं तो ऐसे ही बैठना पड़ेगा। चाहिए मैं गेट रेडी मी वाला एक वीडियो लाऊंगी आज आज मतलब प्लान तो क्या है अगर करंट रहेगा तो ही बनाऊंगी क्योंकि गर्मी में मुझे मेकअप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है पर मैं करती हूँ ना मतलब सोशल साइड को एक्टिव रखने के लिए कुछ कर देती हूँ मतलब हाँ यही है। आप देखिए अगर करंट होगा तो मैं वीडियो दूंगी ना अपलोड कर दूंगी आप देख लेना। सो अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को भोपाल को ठीक है तो देख लो। मेरा पेट ना बहुत ज़्यादा तरीके से ख़राब हो चुका है पता नहीं क्यों कल रात को हमने मोमो चटनी खाई थी शायद इसकी वजह से। अभी क्या करना है क्या ऐसे मैंने मग ले लिया क्योंकि हमारे यहाँ पे तो करंट है नहीं और वोल्टेज तो एकदम जीरो। तो अभी थोड़ा ऐसा से मैं पानी ले लूँगी तो अभी शरबत बनाएगी। हो चुके तो अभी मैं जाऊंगी ना अकेले ही मतलब खुद के लिए बनाना। लोग ना इस घर में ना बीमार पड़ जाओ पर कोई आपको देखेगा भी नहीं। खुद के लिए खुद बनाओ खुद खाओ पर ये लोग जब बीमार होते हैं ना मुझे किस्सा पिटा के काम कर पाते हैं। चलो कोई ना वो जो लेबू मतलब नींबू का जो छोटा सा टुकड़ा लिया था वो मतलब वो किचन से आता था गिर गया कोई नहीं बहुत बढ़िया बना।
बहुत ज्यादा टेस्टी है। ऐसे नहीं, ऐसे बैठो एकदम पैरों पे पैर उठा के और ऐसे ग्लास ले लो और मतलब शाम का वातावरण देख देखते एक चीज के लिए लो। बेसिकली ये जब पापा रहते हैं तब हमको खाने को मिलता है क्योंकि हमारा मन नहीं करता इतना, तो अभी मेरा पेट खराब है तो इसलिए खा रही हूँ। सो चलो मैं इसको फिनिश करती हूँ। हालत बहुत बुरी हो चुकी है क्योंकि मतलब जब मैं कुकर वाला राइस देखती हूँ बिना खाए रह नहीं सकती, तो मैंने खा दी और तो अब उस क्या है हम जाने वाले दिन के घर, तो अभी हम रहेगा रेडी क्योंकि मम्मी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। चलो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी मैं पूरी तरह से जा भी रही हूँ, मम्मी मुझे छोड़ के चली जा रही है। मतलब बड़ी बेटी के घर में जाने का एक्साइटमेंट मम्मी को देख के लगता है, हाँ लोग इतने एक्साइटेड होते हैं। तो अभी चलो मैं दौड़ दौड़ के जाती हूँ। अरे डरो ना, ये देखिए गाइस माँ तो सुखा हम जी ना जाए बगा बैठो बड़ी कृषान कैसा लगा आपको कृषान? गाइस मुझे लगा था कि हमारे गांव में ही सिर्फ करंट का प्रॉब्लम है, इधर देखो अमीर लोगों के मतलब टाउन वाले लोगों के घर पे भी ऐसे ही करंट प्रॉब्लम है। ठीक है सपने सब का ब्लॉग बनाया था आजकल मोर रीच की माने से जाने 741k माने 1000 जान, मैं कुछ कहना है क्या क्या था तो मैं इधर आ चुकी हूँ, अभी जाने वाली हूँ घर। तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, इधर सिर्फ मेरा एक भांजा नहीं है, भांजी भी है। हर जगह बात करते हैं तो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऐसे सपोर्ट करते रहे हो। अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज 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 फॉलो कर दो। ठीक है चलो बाय।